नमस्कार ई पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है मैं प्रोफेसर किशोरीलाल रेगर प्रोफेसर हिंदी विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान में कार्यरत हूँ आज हम दलित साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत दलित साहित्य के स्वरूप पर बात करेंगे मित्रों इस अध्याय के अध्ययन के उपरांत आप निम्नलिखित बातों से परिचित हो सकेंगे हिंदी दलित साहित्य का स्वरूप क्या है हिंदी दलित साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में आप जान पाएंगे हिंदी दलित साहित्य के सौंदर्य बोध से परिचित होंगे परंपरागत हिंदी साहित्य से दलित साहित्य का स्वरूप किन रूपों में भिन्न है इस संदर्भ में समझेंगे सबसे पहले हम शुरू करते हैं दलित साहित्य दलितों का साहित्यिक आंदोलन ही नहीं अपितु उनका सांस्कृतिक आंदोलन भी है सदियों से जिनके महत्व योगदान को इतिहास के पन्नों पर स्थान नहीं मिला दलित साहित्य के रूप में वे लोग अपनी जुबान मुखरित कर आशिये से मुख प्रश्न की ओर अपने को रेखांकित करने के लिए संघर्षरत दलित समाज पर सदियों से हो रहे अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध आवाज मुखरित करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन किया था इसके मुख्य पर उन्होंने सब तुकाराम का अभंग प्रकाशित किया था। करो आता धरुनिया भीड़ निह शंक है तो नवे जगी कोणी मुखियाचा जान सार्थक लाजुनी नवे हित संत तुकार कर मराठी में लिखित थी किसी अभंग का अर्थ यह है कि अर्थात अब लाज शर्म रखकर क्या करूं मैंने मुख खोला है तो निसंदेह बोलूंगा ही मूक और निरी लोगों का संसार में कोई नहीं यह जानकर ही मैंने कुछ कहने का साहस किया है जैसा कि इस अभंग से प्रकट होता है वास्तव में अब तक दलितों को विभिन्न रूप की निरोग्यताएँ लाद कर, उनको अपनी बात कहने से उनको अपनी अभिव्यक्ति को अव्यक्त करने से रोका गया तो उसी के रूप में आज जब उनको शिक्षा के बदौलत मौका मिला है तो वे आज अपनी पीड़ा को उस रूप में उजागर कर रहे हैं जो हमारे सामने दलित साहित्य के रूप में प्रकट हो रहा है आज हिंदी का दलित साहित्य विभिन्न विधाओं वह स्वरूपों में हमारे सामने है आत्मकथा उपन्यास कविता संस्मरण नाटक कहानी आदि प्रमुख साहित्यिक विधाओं में दलित साहित्य आज प्रस्तुत किया जा रहा है इसका उद्देश्य उन तमाम बातों को नकारने से है जिनके कारण दलित समाज यंत्रणापूर्ण जीवन जीने को विवश हुआ मराठी के प्रख्यात चिंतक मैं भी चिटनिस्ट ने कहा है कि प्रस्तापितों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला साहित्य हिंदू संस्कृति और पौराणिकता से अलग साहित्य ही दलित साहित्य है ऐसा उनका विचार है इसलिए दलितों ने दलितों के लिखा साहित्य ही दलित साहित्य है ऐसा चिटनिस मानते हैं मध्ययुगीन साहित्य से छुटकारा पाना ही एक तरह से दलित साहित्य का उद्देश्य है मध्ययुगीन सामंती विचारधारा में जब इंसान को समान नहीं समझा गया विभिन्न रूपों में समाज बटा हुआ था और एक जाति से दूसरी जाति में आना बड़ा मुश्किल था तो ऐसे में जब आज इन समाज को मौका मिला तो उन्होंने अपनी आवाज अपनी वाणी जिस रूप में प्रकट की वो दलित साहित्य के रूप में हमारे सामने उजागर हो रहा है क्योंकि सदियों की सामाजिक असमानता आर्थिक शोषण अस्पृश्यता उत्पीड़न से मुक्ति के रूप में जो साहित्य लिखा जा रहा है वह तो दलित साहित्य के रूप में अभ्यक्त है दलित साहित्य एक पुरोगामी साहित्य है जो दलित अस्मिता को स्थापित करने के संघर्ष है वस्तुतः यह उस खोई हुई अभिव्यक्ति को पुनः करने का प्रयास है जो सदियों से दलितों पर रोग के रूप में विराम के रूप में लाद दी गई थी। दलित साहित्य के स्वरूप पर विचार करने से पहले हम उसके वैचारिक पक्ष को जानेंगे दलित साहित्य समाज में सम्यक परिवर्तन की बात करता है ऐसा नहीं है कि दलित केवल दलित की मुक्ति की बात करता है जो जो भी दास्ता से बंधे हुए हैं उस उस व्यक्ति की सर्व मुक्ति की बात दलित साहित्य करता है आज दलित साहित्य ने विभिन्न विधाओं के रूप में अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया है ये साहित्य हिंदू पौराणिकता हिंदू वैचारिकता हिंदू मानसिकता व उन संस्कारों के विरुद्ध है जिसमें मनुष्य मनुष्य में, में भेद करने की बात कही गई है इस संबंध में मैं प्रसिद्ध चिंतक व कथाकार कमलेश्वर के विचारों को यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा जो दलित साहित्य के वैचारिक पक्ष को समझने की जरूरी है वो कहते हैं कि आज के दलित साहित्य का उनमें मात्र साहित्य घटना ही नहीं वह इतिहास का संपूर्ण वैज्ञानिक और विराट सामाजिक पुनर्मूल्यांकन करता है दलित साहित्य उन निरपेक्षतावादियों सौंदर्यवादियों और निराशावादियों के लिए भी एक उत्तर है जो ये समझ बैठे हैं कि, कि साहित्य की कोई सक्रिय भूमिका नहीं रह गई है मित्रों साहित्य से वैसे यद्यपि कोई क्रांति नहीं होती है लेकिन साहित्य क्रांति की मसाल को प्रकट करता है इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते और दलित साहित्य के रूप में भी आज हमें इसी संदर्भ में मानना चाहिए कि क्रांति की मसाल के रूप में जो साहित्य आज प्रकट हो रहा है जो दलितों द्वारा लिखा जा रहा है वह है दलित साहित्य के रूप में प्रकट हो रहा है दलित साहित्य सदियों से पीड़ित मानवता की पुकार है इसके केंद्र में मनुष्य है और मनुष्य की मनुष्यता है जो मनुष्यता सदियों से दबा दी गई थी उसी का एक तरह से प्रकटीकरण दलित साहित्य के रूप में उभर करके आ रहा है इसलिए दलित साहित्य के मूल स्वरूप में सामाजिक सरो, सरोकारों से जुड़ा वर्ण व जाति व्यवस्था का नकार है क्योंकि सदियों से भारतीय धर्मशास्त्रों स्मृति ग्रंथों ने दलित समाज पर जिस तरह की जाति व्यवस्था लाद दी गई थी वस्तुतः दलित साहित्य उनको सिरे से खारिज करता है दलित साहित्य अनुभूति परंपरागत साहित्य से बिल्कुल अलग है ये पीड़ित व असह असहाय मनुष्य की वेदना से जुड़कर समाज की विषमताओं धार्मिक सामाजिक विसंगतियों शोषण के उपादानों तथा मनुष्य मनुष्य के बीच पैदा हुई खाई को दूर करने वाला है तथा उन तत्वों का पुरजोर विरोध करता है जो मनुष्य की मुक्ति की चिंता नहीं करता है यह साहित्य मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ करके मनुष्य को आजाद करने की बात करता है वसुत दलित साहित्य दलितों की यथार्थ स्थिति उसकी सीमाओं तथा संभावनाओं को सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है इसलिए दलित साहित्य मात्र साहित्यिक घटना ही नहीं अपितु समग्र आंदोलन के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है आज का दलित साहित्य दलितों के भोगे हुए यथार्थ को सामने लाने का पुरजोर प्रयास है और इस प्रयास में वह जाति पाति का घोर विरोध करते हुए सदियों की विकृति विद्रूपता विषमता शोषण व अन्याय का प्रतिरोध कर समता मूलक समाज की स्थापना की बात करता है इसलिए दलित साहित्य के मूल में बाबा साहब अंबेडकर का विचार है मनुष्य का क्षमता आजादी भाईचारा ही लक्ष्य नहीं बल्कि उसका जन्म अधिकार भी है इन्हें हासिल करने के लिए दलित समाज को शिक्षित होना संघर्षरत रहना और संगठित होना बहुत जरूरी है वे अपो में विश्वास करते थे और मानते थे कि कोई बाह्य शक्ति बाह्य व्यक्ति चमत्कार अवतार या पैगंबर उनका उद्धार नहीं कर सकता अपने अपने भीतर से ही बुद्ध की तरह ज्ञान अर्जित कर उससे ऊर्जा प्राप्त कर नायकत्व हासिल करना होगा उन्हें खुद अपनी अपने समाज की पूरी मानवता के विकास की मुहिम चलानी होगी तभी दलित का उद्धार हो सकेगा अन्यथा सदियों से आती हुई आई रही गुलामी उनको जकड़ लेगी सही अर्थों में देखें तो हिंदी साहित्य सीधे सीधे सवर्ण लोगों द्वारा लिखा हुआ साहित्य है जिसमें दलितों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है फिर भला ऐसे साहित्य में दलित जीवन की छटपटात उनका आक्रोश उनकी वेदना उनका स्वाभिमान जैसे मूल्य कैसे अभिव्यक्त हो सकते थे इसलिए दलित साहित्य परंपरागत साहित्य के उन मानदंडों का विरोध करता है जो विषमता गैर बराबरी नित्यता देववाद भाग्यवाद और पुनर्जन्म जैसे अवैज्ञानिक सोच को प्रस्तापित करता है दलित साहित्य के मूल में समता न्याय और स्वतंत्रता इसके चिंतन का आधार है और इस पर मुस्तैदी और मजबूती से टिके रहने में ही उसकी शक्ति समृद्धि और विस्तार की संभावनाएं निहित है दलित साहित्य का काम है विरोध और आलोचना से विचलित हुए बिना अपनी मंजिल की ओर निरंतर रहना। वस्तुतः दलित साहित्य जाति वर्ण व्यवस्था के अभिशाक से उपजा क्योंकि इस व्यवस्था में जन्म से ही मनुष्य की पहचान निर्धारित की गई है जो अपरिवर्तनीय है इसलिए दलित साहित्यकार इस व्यवस्था का पुरजोर विराद करके इसको जड़ से उखाड़कर समतावादी समाज की बात करता है इस बात को शब्दों में विस्तार से इन शब्दों में विस्तार से समझा जा सकता है दलित शब्द पीड़ित प्रताड़ित अर्थों के साथ जब साहित्य से जुड़ता है तब वह विरोध की ओर संकेत करता है वह नकार या विरोध चाहे व्यवस्था का हो सामाजिक विसंगतियों धार्मिक रूढ़ियों आर्थिक विषमता का हो या भाषा प्रांत के अलगाव का हो या साहित्यिक परंपराओं का हो दलित साहित्य नकार का साहित्य है जो संघर्ष से उपजा है उसमें समता स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव है और वर्ण व्यवस्था से उपजे जातिवाद का विरोध है इसका एकमात्र सौर है सामाजिक परिवर्तन और अंबेडकरवादी विचार वस्तुतः अंबेडकरवादी दृष्टिकोण और बुद्ध का मानवतावाद इन सबको समेटते हुए दलित साहित्य अपने विस्तृत आयाम और विस्तृत स्वरूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है दलित साहित्य का मुख्य स्वरूप मुख्य धारा से वंचित लोगों द्वारा लिखे साहित्य के रूप में निर्मित हुआ है और ये साहित्य साहित्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है वस्तुतः यह संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयासरत है जिसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसी के रूप में आज दलित साहित्य हमारे सामने उभर रहा है और इसके मूल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार दर्शन है मैं स्पष्ट कर दूं कि वाद एक वैचारिक क्रांति का दर्शन है जो भारतीय समाज में व्याप्त सभी प्रकार के अंधविश्वासों बूढ़िवादी परंपराओं मान्यताओं व रीति रिजाओं को पोषण करने वाले वेदों स्मृतियों व अन्य धार्मिक ग्रंथों का सिर्फ वैज्ञानिक विश्लेषण ही नहीं करता बल्कि समाज में व्याप्त सभी प्रकार की असमानताओं भेदभाव व शोषणकारी प्रवृत्तियों के समाधान के साथ साथ समता मूलक शांतिमय प्रगतिशील सुखमय व समृद्ध समाज के निर्माण का विकल्प भी प्रस्तुत करता है उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि दलित साहित्य मानव को अपना केंद्र बिंदु मानकर समानता का पाठ पढ़ाता है तथा गणा की जगह प्यार व भ्रातृत्व भाव जगाता है इसके स्वरूप को कवि ने इन शब्दों में प्रकट किया है मेरी लड़ाई चेहरों से नहीं मेरी लड़ाई सत्ता की उस सत्ता से है जिसमें आदमी का चेहरा नहीं है वस्तुतः है, आदमी का चेहरा गायब है उस आदमी के चेहरे को समाज के सामने लाने के लिए सत्ता की लड़ाई है और उस लड़ाई में कितना सफल हो पाता है दलित लेखक कितना नहीं हो पाता है ये तो उसका लेखन ही बताएगा लेकिन वास्तव में आदमी की आदमीयत को स्थापित करने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है वह दलित साहित्य की मूल चेतना के रूप में और मूल विरोध के रूप में है दलित साहित्य एक विचारधारात्मक आंदोलन है इस आंदोलन की मूल प्रेरणा में बुद्ध का समाज समता मूलक समाज की संकल्पना है सिद्धो वनाथों की वर्ण वन व्यवस्था विरोधी दृष्टि है तो संत कवियों की मानवतावादी दृष्टि से भी इसको ऊर्जा मिलती है इनके साथ समय समय पर अखिल भारत पर अखिल भारतीय स्तर पर वे आंदोलन भी है जिनके कारण दलित चेतना जागृत हुई पंजाब का आदि धर्मी आंदोलन उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र का जाटव आंदोलन पूरी उत्तर प्रदेश का रविदास व केशव नारा, नारायण आंदोलन मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ का सतनामी आंदोलन महाराष्ट्र में फूले का आंदोलन बंगाल का नाम शूद्र आंदोलन दक्षिण भारत के केरल में श्री नारायण धर्म परिचालन आंदोलन तथा तमिलनाडु में पेरियार नारायण स्वामी का आंदोलन ये आंदोलन प्रमुख रूप से दलित साहित्य को ऊर्जा देने के लिए प्रमुखता से जाने जाते हैं पिछली शताब्दी में इन आंदोलनों के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दलित मुक्ति चेतना से दलित साहित्य का स्वरूप निर्मित होता है इसलिए दलित साहित्य में वस्तुतः दलित अस्मिता और अस्तित्व के लिए ब्राह्मणवाद का नकार आवश्यक है नकार और विरोध की यह आग ही दलित साहित्य आंदोलन की शक्ति है यदि यह आग नहीं रहेगी तो फिर दलित साहित्य में कोई मायने नहीं रहेंगे क्योंकि आग ही उस ज्वाला को प्रज्वलित करती है जो क्रांति की ओर दौड़ती है दलित साहित्य आज अपने विविध विधाओं के माध्यम से दलितों के भोगे हुए यथार्थ को उकेरने का प्रयास कर रहा है क्योंकि निश्चित रूप से ये भोगा हुआ यथार्थ शोषण अपमान और वर्जनाओं से उपजा है जो दलित अस्मिता को जगाने की ओर अग्रसर है इसलिए इस साहित्य में आमूल चूल परिवर्तन व क्रांति का आह्वान है जग प्रकाश कर्दम अपने कविता के माध्यम से कहते हैं मेरे शब्दों केवल शब्द मत बने रहो अपने अर्थों में आ जाओ तीर तलवार में बदल जाओ धरती आसमान को हिला दो अन्याय की दुनिया में आग लगा दो क्रांति का बिगुल बजा दो वस्तुतः जयप्रकाश कर्दम की ये कविता के कविता के शब्द मात्र नहीं है अपितु दलित साहित्य के उस स्वरूप को स्पष्ट रूप से इंगित करती है जिसमें क्रांति का स्पष्ट रूप से आह्वान है और कलम की शक्ति तलवार से भी भटकर के तीर से भी भटकर के बनाई है जो धरती आसमान को हिला देने वाली है क्रांति का बिगुल बजार देने वाली है इसलिए दलित साहित्य का मूल स्वर वेदना विद्रोह संघर्ष और परंपरावादी हिंदू मानसिकता का सिरे से निषेध है जिस व्यवस्था ने सदियों से दलितों को कुचलकर उन्हें गुलाम बनाया उनके स्वाभिमान को रोंद कर सामाजिक विधानों से बाहर किया दलित साहित्य उन सबको नकारता है अतः दलित साहित्य हम कह सकते हैं एक हद तक इतिहास और शास्त्र का विरोधी है वह नया शास्त्र निर्माण करना चाहता है देखा जाए तो उनका यह परंपरा विरोध युगिन स्थितियों और उन अनुकूल न्यायोचित परिस्थितियों के विरोध में है इसलिए दलित साहित्य सामाजिक न्याय की मांग करता है दलित साहित्य दक्षिण भारतीय भाषाओं मराठी गुजराती बंगाली, पंजाबी के साथ हिंदी में भी बखूबी लिखा जा रहा है और इन साहित्यकारों का सबसे अहम सवाल ये रहा है कि दलित समाज ने वर्ण एवं जाति व्यवस्था को किन षड्यंत्रों के तहत स्वीकार किया दलित रचनाकारों ने वेगवती नदी में प्रवाह की तरह अपनी सब्र का बांध तोड़ते हुए जो कुछ भी उनके विरुद्ध था उनको डुबाने का प्रयास अपनी कलम के माध्यम से किया है क्योंकि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो और जब अन्याय हो तो साहित्य ही दरकार हो सकता है और इसी रूप में दलित साहित्य हमारे सामने आया है दलित साहित्य दलितों की दलित दलित साहित्य का हम इस स्वरूप विश्लेषण कर सकते हैं कि नारकीय जीवन जीने को विवश दलित और शोषित वर्ग जब जब भी विशेष कहे जाने वाले समुदाय की ओर से घोर उपेक्षा का शिकार हुआ है तब तब उन दबे पीछे लोगों की बस्ती टोली या कबीले के आसपास के प्रवेश में उनकी कसक पीड़ा और दर्द भरी गूंज की किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति हुई है और ये अभिव्यक्ति सार्थक रूप में दलित साहित्य का स्वरूप निर्धारित करती है यह निर्वाद निर्विवाद रूप से सत्य है कि साहित्य में दलितों की ऐसे पीड़ा उनका संतरास उत्पीड़न के यथार्थ चित्रण के साथ शोषण से मुक्ति के लिए छटपटाट भी है इसलिए इस साहित्य का स्वरूप विद्रोहता विद्रोहात्मक है कि सदियों से गुनखाई समाज की पीड़ा उसके जन्म से प्रारंभ होकर उसका ताज जिंदगी पीछा क्यों नहीं छोड़ती जिसकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द और भाषा भी अपनी पहचान खो चुकी है इस संबंध में ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये पंक्तियाँ देखिए जो बड़ी दर्द भरी है घुटनों पर टिकी कोहनियाँ और हथेलियों में थमा सिर बेबस है वक्त के इस पड़ाव पर जहाँ शब्द और भाषा अपनी पहचान खो चुके हैं शब्द और भाषा अपनी पहचान खो चुके हैं मित्रों ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये पंक्तियाँ बड़ी त्रासदिक स्थिति को प्रकट करती है और पूरे दलित समाज का चेहरा हमारे सामने लाती है अब मैं दलित साहित्य के विधागत स्वरूप पर बात करूंगा सबसे पहले मैं कविता पढ़ लेता हूं दलित साहित्य का स्वरूप कविता कहानी आत्मकथा उपन्यास दलित साहित्य का स्वरूप कविता कहानी आत्मकथा उपन्यास आदि कई विधाओं के माध्यम से प्रकट हुआ है किंतु उसका मूल स्वरूप प्रकृतियां जितनी दलित कविता में प्रकट हुई है उतनी अन्य विधाओं में नहीं विस्तार अन्य विधाओं में नहीं, अतः दलित कविता पर विस्तार से चिंतन करने की आवश्यकता है ताकि दलित साहित्य का स्वरूप स्पष्ट हो सके दलित साहित्य स्वर्ण साहित्य को अपना साहित्य नहीं मानता क्योंकि कभी इस साहित्य में दलित पीड़ा का प्रस्तुतिकरण हुआ ही नहीं अतः विषमता से परिपूर्ण उस साहित्य को नकारते हुए दलित कवि कह उठता है मैं कैसे मान लूँ तुम्हारे लिखे को पूर्ण साहित्य जिसमें नहीं लिखा गया मेरे बुजुर्गों की अंगूठा छाप का पूर्ण ब्योरा दलित साहित्य का तेवर बहुत ही आक्रामक है इसलिए वह हिंदू संस्कृति को सिरे से खारिज करता है तथा धर्म के पाखंड को जड़ से मिटाने की बात कहता है कवि सुखवीर के तेवर तो और भी तीखें यहाँ सांस लेती है वह कुत्ता संस्कृति जो आदमी को आदमी से काटती बांटती है धन धरती और रिश्तों को गैर बराबरी के साथ सदियों के शोषण अपमान व संतरास से उपजा दलित साहित्य आक्रामक तेवर के रूप में अभ्यक्त हुआ है इसलिए वह तमाम विरोधों और दबावों के बावजूद हाथ में कलम लेकर दमन को ललकारता है तथा सीधे सीधे शोषण की व्यवस्था वह उसके पोषकों को चुनौती देते हुए कहता सुनो वशिष्ठ द्रोणाचार्य तुम भी सुनो हम तुमसे घृणा करते हैं तुम्हारे अतीत तुम्हारी आस्थाओं पर थूकते हैं दलित रचनाकारों के ऐसे आक्रामक तथा नकारात्मक तेवर पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध आलोचक कमला प्रसाद ने कहा था यहाँ घृणा और आस्थाओं पर थूकना सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है इन शब्दों के अलावा इस समाज का अनिवार्य सत्य व्यक्त नहीं हो सकता विरुद्धों में सामंजस्य का मनोभाव अभी भी परिस्थितियों में उनके लिए संभव नहीं है एकलव्य और शंभू का बदलाव इतिहास कभी नहीं कभी तो लेगा ही दलित साहित्य आत्मा परमात्मा व भाग्यवाद को खारिज करता है इसलिए यहाँ पर कथित ईश्वर को मृत घोषित करता है क्योंकि ईश्वर आत्मा व भाग्यवाद के आड़ में ही दलितों पर कहर बरपा गया है अतः कवि सवाल करता है ईश्वर की मौत उस पल होती है जब मेरे भीतर उठता है सवाल ईश्वर का जन्म किस माँ की कोख से हुआ ईश्वर का बाप कौन दलितों के लिए आर्थिक प्रतिष्ठा से भी भटकर सामाजिक प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है जो दलित साहित्य का मूल दर्शन और लक्ष्य भी है इसलिए दलित साहित्य मार्क्स सम, की आर्थिक समानता की अपेक्षा अंबेडकर दर्शन की सामाजिक समानता की बात करता है एक कवि ने चिड़िया के प्रतीक के माध्यम से इस बात को इस तरह से स्पष्ट किया है वह चिड़िया भूख से नहीं चिड़िया होने से पीड़ित थी वह कैसे जानता गरीबी नहीं सामाजिक बेजती अखरती है समाज में एक धारणा बन गई है कि दलित आरक्षण पाकर शासन में बराबरी का हक मांगने लगे हैं जबकि वे इसके योग्य नहीं जबकि भारतीय संविधान दलितों को इन सबका अधिकार देता है इसी मानसिकता के विरुद्ध दलित कवि अपनी बात को स्पष्ट करता हुआ कहता है हमारी भागीदारी के लिए योग्यता की शर्त कब तक फेंकोगे तुम अपना मकर जाल हम पर घबराओ नहीं समय आ रहा है जब हम भी बदेंगे तुमसे दौड़ने की शर्त जीतेंगे बाजी तोड़ेंगे तुम्हारा दर्द और वास्तव में ये दर्द तोड़ने की जो क्रांति है यही दलित साहित्य के रूप में प्रकट हुई है इस स्थिति पर निम्नलिखित पंक्तियां उचित जान पड़ती है दलित चेतना के अंतर्गत दलित होने का त्रासद बोध होना दलित होते रहने की स्थिति को अस्वीकार करना वर्तमान राज सत्ता में समुचित भागीदारी और कुल मिलाकर दलित से मुक्ति आज के दलित चेतना के तत्व हैं मतलब यह है कि इस चेतना को ऐतिहासिक दृष्टि से यानी विकास और परिवर्तन के कर्म में देखना चाहिए तथा से मुक्ति का अर्थ है अतीत और वर्तमान मुक्त होकर भविष्य का अर्थात जीवन और समाज की नई व्यवस्था का निर्माण करने की ओर उन्मुख होना उसके लिए संगठित एवं सामूहिक संघर्ष करना यही दलित चिंतन का प्रमुख है और यही दलित कविताओं के रूप में मुख्य भाव प्रकट हुए हैं अब हम कुछ दलित आत्मकथाओं के बारे में बात करते हैं दलित साहित्य कविताओं के साथ साथ आत्मकथाओं के माध्यम से भी खूब उभरा है इन दलित आत्मकथाओं में मोहनदास सराय की अपने अपने पिंजरे दो भाग ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन ये भी दो भागों में आ गई है कौशल्या बैसंतरी की दोहरा अभिशा सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत के साथ उनकी तिरस्कार शिवराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर तुलसी राम की मूर्धहिया मणिकर्मक कर्णिका डी आर जाटव की मेरा सफर, मेरी मंजिल माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन तक सुशीला टाक भोरे की सिकंजय का दार आदि आत्मकथाएं प्रमुख हैं जिनके माध्यम से दलित जीवन की मर्मांतक पीड़ा व त्रास्ती का यथार्थ चित्रण उभर कर सामने आया है दलित लेखकों द्वारा रचित ये आत्म साहित्य साहित्यालोचना की उस धारणा को तोड़ती है जिसमें माना गया है कि बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति ही अपनी आत्मकथा लिख सकता है ये आत्मकथाएं जहाँ एक और दलितों के जीवन यथार्थ व उनके संघर्ष को अभिव्यक्त कर रही है तो दूसरी ओर इनमें सामाजिक गर्जनाओं से मुक्ति और पुनर्वास की ओर भी संकेत है दलित आत्मकथाएं उन शिलालेखों की तरह है जिनके तथ्यों पर दलित इतिहास की नींव खड़ी होगी क्योंकि ये अपने समय में अपने लोगों के बीच में स्वयं लेखक द्वारा लिखी गई है इसलिए उनकी प्रामाणिकता किसी शिला से कम नहीं जबकि दलित आत्मकथाओं का दुख दर उसकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ अपने देश के बारे में उनकी राय इत्यादि सब मिलकर पाठकों को कहीं से भी सुखद एहसास नहीं कराती दलित आत्मकथाएँ पाठक को जकझोर देती है वस्तुतः आत्मकथाएं नहीं अपितु दलित जीवन का मर्मांतक दस्तावेज है तथा स्वर्ण समाज को संबोधित संवाद है जिसमें उन्होंने अपने दुख दर्द को बयां करते हुए समाज के उन लोगों से प्रश्न किया है जिन्होंने उनकी पशुओं से भी बदतर जिंदगी की है इस संबंध में लक्ष्मण गायकवाड़ की आत्मकथा की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य है जब लोग कहते हैं कि भारत मेरा देश है सारे भारतीय मेरे बंधु हैं मुझे देश की परंपरा का अभिमान है मुझे लगता है कि अगर सभी भारतीय भाई भाई हैं तो फिर हम जैसे भाइयों को काम क्यों नहीं दिया जाता हमें खेती के लिए ज़मीन क्यों नहीं दी जाती ऐसी स्थिति में इस देश की परंपरा का अभिमान मैं क्यों और कैसे रखूं? उठाएगी आत्मकथा में ये बात कही है ये दलित आत्मकथाएं भले ही व्यक्तिगत अनुभव हों किंतु इनके माध्यम से संपूर्ण दलित समाज वह उसकी पीड़ा उजागर हुई है इन आत्मकथाओं ने दलित अस्मिता का बोध करवाया है तथा इनके माध्यम से दलित चेतना जागृत हुई है अब मैं कुछ दलित उपन्यासों पर बात करूंगा अपनी अस्मिता सिद्ध करने के लिए दलित उपन्यासकारों ने भी जोरदार पहल की है इन दलित उपन्यासकारों में प्रेम कपाड़िया का, का मिट्टी की सौगंध जयप्रकाश कर्दम का छप्पर धर्मवीर का पहला खत डीपी वरुण का अमर ज्योति रामजिलाल सहाय का बंदनमुख सत्य प्रकाश का जस तस वही सवेर मोहनदास नेमिसराय का मुक्ति पर गुरचरण सिंह का डूब जाती नह नदी शरण कुमार लिंबाने का नरवानर रूपनारायण सोनकर का सुवरदान आदि प्रमुख है इन कृतियों के माध्यम इन कृतियों में जहाँ एक और दलितों के सामाजिक आर्थिक शोषण व उत्पीड़न का कारुणिक व यथा चित्रण हुआ है तो दूसरी ओर दलित उपन्यासकारों ने अपनी अस्मिता को सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणवादी एवं सामंती ताकतों से पुरजोर संघर्ष को भी चित्रित किया है स्पष्ट है कि स्वाधीनता के सात दशक पश्चात भी दलितों की स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है जो कुछ बदलाव हुआ है वह आर्थिक है दलित उपन्यासों के स्वरूप के संबंध में मैं तेज सिंह की टिप्पणी उचित मानता हूँ कि दलित उपन्यासों का मूल स्वर विद्रोह का रहा है ये विद्रोह ब्राह्मणवादी सामंतशाही व्यवस्था के उस गिन चरित्र के रूप में है जिसमें हजारों सालों से दलितों का सामाजिक आर्थिक शोषण होता रहा है उनकी सांस्कृतिक चेतना को अवरुद्ध किया गया है उनके जनवादी जान जनतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है तथा उनकी औरतों का यौन शोषण किया गया है इन सब गैर लोकतांत्रिक और अमानवीय स्थितियों ने दलितों में विद्रोह को जन्म दिया है यद्यपि दलित उपन्यास कम लिखे गए हैं लेकिन जितने भी लिखे गए हैं वो ठोस रूप से दलितों की मुक्ति की ओर संकेत करता है दलितों दलित साहित्य के स्वरूप के संबंध में कहानियों पर चर्चा करना शेष रह जाता है दलित साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए दलित कहानीकारों की चर्चा भी अपेक्षित है इन कहानियों के माध्यम से दलित पीड़ित समाज के यथार्थ चित्रण दलितों की आशाओं आकांक्षाओं और इच्छाओं का भी चित्रण हुआ है दलित कहानीकारों में मोहनदास नेमीसराय रत्न कुमार सांबरिया ओम प्रकाश वाल्मीकि हेमलता महेश्वर सूरजपाल चौहान सत्य प्रकाश कुसुम मेघवाल सुशीला टाग भोरे अजय नावरिया शिवराज सिंह बेचैन आदि का नाम लिया जा सकता है दलित अस्मिता को प्रतिष्ठित करने में ओम प्रकाश वाल्मीकि की, की कहानी ग्रहण सलाम पच्ची चौका डेढ़ सौ सूरजपाल चौहान की आखेड़ साजिश रतन कुमार सामरिया की शर्त कील खेत आखेड़ और फुलवा मोहनदास नेमिस की अपना गांव आदि कहानियों की चर्चा की जा सकती है जिनमें व्यापक रूप से दलित उत्पीड़न व उसके विरुद्ध संघर्ष को दिखाया गया है इन कहानियों के माध्यम से दलितों दुख दर्द परेशानी गुलामी अतपतन और उपवास को चित्रित किया गया है जो समाज के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा करती है इन कहानियों में आक्रोश है आग है गुस्सा है तो साथ साथ संवेदना मानवता और शब्र भी है न्याय की उत्कृष्ट लालसा है समानता की तीव्र ललक है भाईचारे की भावना है आदर पाने की इच्छा भी बलवती है दलित आलोचना सृजनात्मक लेखन के साथ साथ आज दलित आलोचना व उसके मानदंड भी तय किए जा रहे हैं दलित आलोचना में डॉक्टर धर्मवीर डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन डॉक्टर एन सिंह ओम प्रकाश वाल्मीकि शरण कुमार लिम्बाले डॉक्टर कालीचरण सनई डॉक्टर तेज सिंह डॉक्टर जयप्रकाश करदम डॉक्टर किशोरीलाल आदि का नाम लिया जा सकता है दलित लेखन के संदर्भ में स्वर्ण आलोचकों द्वारा ये सवाल उठाया गया है कि दलित साहित्य में सौंदर्य बोध नहीं वह रूखा फुअड़ और भदेस है दलित आलोचकों ने बेबाक स्वर में इसका उत्तर दिया है कि जीवन कि जिनके जीवन में कभी सुंदरता ने पाम ही नहीं रखे जिन्होंने कभी सूरज की रोशनी देखी ही नहीं जिन्होंने कभी गुलाब के फूल की खुशबू ली ही नहीं ऐसे में परंपरागत सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यों से दलित साहित्य की आलोचना कैसे की जा सकती है अतः दलित आलोचक बदबू ही हमारा सौंदर्य शास्त्र है कथन का प्रयोग करते हैं दलित आलोचना रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह की आलोचना पद्धति से अलग हट के है परंपरागत सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यों में सत्यम शिवम सुंदरम की साहित्यिक को साहित्यिक मूल्य माना है लेकिन दलित लेखन में जहाँ उत्पीड़न वेदना व वे आक्रोश का ही चित्रण हो वहाँ पर हमें सुंदरता कसौटी बदलनी होगी जिसका स्वयं प्रेमचंद ने समर्थन किया है अतः दलित आलोचना का मुद्दे मुद्दा केवल मुद्दा समाजशास्त्री है सौंदर्य शास्त्री नहीं क्योंकि दलित समीक्षक दलित साहित्य की समीक्षा समाजशास्त्रीय दृष्टि से करते हैं दलित साहित्य जहाँ विद्रोह शोषण और विषमता के विरुद्ध है वहीं उसका नकार मुझ पर जो लादा गया है वह फेंक देने के लिए है इसी स्वरूप की समीक्षा भी इसमें होती दिखती है पर साहित्य में विद्रोह और नकार का साहित्यिक विश्लेषण नहीं होता वेदना विद्रोह और नकार की सामाजिक कारण मीमांसा की जाती है लेकिन वेदना विद्रोह और नकार के साहित्यिक रूप का ब्यौरा नहीं दिया जाता दलित समीक्षा दलित साहित्य में साहित्यिक विशेषताओं की ओर ध्यान न देकर सामाजिक व्यवस्था पर अधिक विचार करती हुई दिखती है आज तक की दलित समीक्षा का प्रधान आशय मानवतावादी मूल्यांकन ही रहा है ये मानवतावादी विचार ही दलित साहित्य में अम्बेडकरवादी विचार है अंत में इस इकाई के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बुद्ध कबीर फूले अम्बेडकर की मानवतावादी विचारधारा से प्रभावित दलित साहित्य स्वर्ण एवं ब्राह्मणवादी मानसिकता के विरुद्ध प्रतिरोध का साहित्य है जिसमें दलित अस्मिता को प्रतिष्ठित करने के लिए दलन उत्पीड़न अन्याय अत्याचार व संतराज से मुक्ति की कामना की गई है ये अतः दलित साहित्य विभिन्न साहित्यिक विधाओं आत्मकथा कविता उपन्यास कहानी आलोचना आदि के माध्यम से हमारे सामने आ रहा तथा मुख्य धारा के साहित्य को चुनौती देकर साहित्य के मुख्य प्रश्न पर अपना स्थान बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है यह साहित्य विभिन्न स्वरूपों एवं प्रवृत्तियों के रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त हो रहा है इसके मूल में डॉक्टर अंबेडकर का विचार दर्शन प्रमुख है इसमें दलित पीड़ित मानवता की स्वतंत्रता मनुष्य की स्वतंत्र क्षमता व भ्रातृत्व की बात की गई है इसलिए साहित्य रूढ़िवादी परंपराओं को नकारते हुए शुद्ध सामाजिकता की स्थापना पर जोर देता है अतः ये भगवान भाग्यवाद एवं पुनर्जन्म को नकारता है तथा वर्ण व्यवस्था जातिवाद सांप्रदायिकता व क्षेत्रवाद को भी नकारता है ये समाजवाद ब्राह्मणवाद व पूंजीवाद को भी सिरे से खारिज करता है तथा मानवतावादी व लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों को तरजीह देता है भले ही इसके स्वरूप में हमें वेदना विद्रोह व नकार का भाव दृष्टिकोण होता है होता है किंतु ये प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक है वह दलित साहित्य का मूल स्वरूप इन्हीं से निश्चित होता है आलोचना के क्षेत्र में ये साहित्य रामचंद्र शुक्ल परिभाषा को नकारता है तो सौंदर्य की कसौटी सौंदर्य कसौटी पर नए मानदंड निर्धारित करते हुए सत्यम शिवम व सुंदर की परिभाषा को बदलते हुए मानवता भाव में सौंदर्य की तलाश करता है इस साहित्य की आलोचना पद्धति समाज शास्त्रीय है व कला के लिए कला नहीं जीवन के लिए है संक्षेप में दलित साहित्य इतिहास समाज संस्कृति साहित्य व उनके परंपरागत मानदंडों की पुनर्व्याख्या कर दलित मानव को सर्वोपरि मानता है और सदियों से छटपटाती संतरास मानवता की मुक्ति इसका लक्ष्य है जिसमें एक और बुद्ध की करुणा है तो दूसरी ओर फूले अंबेडकर का मानवतावादी दृष्टिकोण धन्यवाद